पाकिस्तान आज का हमारा इत्तेहाद है। आज के दिन बुरी अगवा हो गई, एक महीना 20 दिन हो गए, उसके बाद अब हमारे जान के अंदर खतरा है, पाकिस्तान हमारी जानों को खतरा। मैं पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, क्या अगली मैं हूँ मरने वाली तो ऑफिशियल कर दें कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स को मारना चाहिए। तो मैं एहतजाज कर रही हूँ सब जिंदा रहने के लिए। वो इसलिए चारों सूबों के ख्वाजा सरा मैदान में निकले हैं कि चारों सूबों में ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद, कत्ल, यहाँ तक कि कराची में 8वीं मुहर्रम के ख्वाजा सरा को गला घोट के मारा जाता है, कातिल गिरफ्तार नहीं होते। बूरी नाम का 65 साल ख्वाजा सरा वो कुरंगी 2.5 नंबर से अगवा होता है, पुलिस उसको बाजियाब कराने में नाकाम है। तो खुदा राम सियासतदानों से कहते हैं सियासत सियासत मत खेलिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, कम अज़ कम हमारी जान बच की हो जाए, जो हमारे ख्वाजा सरा अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, इस चीज़ को रोका जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये विरासत मदीना कैसा है, कहीं पर बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, कहीं बच्चियाँ जलाई जा रही है, कभी हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। तो खुदा रा हम विरासत मदीना के दावेदारों से कहते हैं जाती खिलाफ छोड़ें और आए काम करें। तो ख्वाजा सराओं के एक वीक में पाकिस्तान भर में जो है कत्ल किया गया है, ठीक है, उसके अलावा हमारी एक बोरी ख्वाजा सरा हैं वो लापता है, हम नहीं चाहते कि हम उनकी भी लाश उठाएं। पुलिस वालों का इतना खातर खा रिस्पॉन्स नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का कोई खातर खा रिस्पॉन्स नहीं है, बिलफर्ज आखिरकार हमें एहतजाज की ज़रूरत पड़ी है। और अगर जब हम अपना हक मांगने निकलेंगे और जब वहीं पर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो ऑब्वियसली हम वायलेंट होंगे, हम रिएक्शन देंगे, क्योंकि यहाँ सब अपने काम छोड़ के, हम सब इतना नहीं कमाते, सब डेली वेजेस के लोग हैं, सब आज अपनी कमाई छोड़ के यहाँ आए हैं एहतजाज करने। तो एटलीस्ट आप साफियों को भी सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, पुलिस को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप ये एहतजाज हमारे पिशावर में एक सानिया हुआ है जिसमें हमारी ख्वाजा सरा कत्ल की गई है, कल कला को हमारी जानों को भी खतरा है, हम भी इधर रह रहे हैं, हमारा कोई नहीं है, तो हम इस वजह से एहतजाज कर रहे हैं। प्रेस क्लब कराची में हम सामने आए, सारी आवाम, सारी हमारी बिरादरी यहाँ आई है और हमारा ये इदारों से ये दरख्वास्त है, ये हमारी सुनी जाए, हमारे एहतजाजों को जहन में रखा जाए। हम किसी का कुछ क्या लेते हैं, हम किसी का जो करते हैं अपने साथ करते हैं, जो नाचते हैं हम अपने साथ करते हैं, हम किसी का तो कुछ नहीं लेते, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफियाँ होती हैं, क्यों? ये क्यों का सवाल का जवाब हमें चाहिए, जब हमें क्यों कुछ नहीं समझा जाता। आखिर हमारी भी तो एक कम्युनिटी है, हमारी भी एक बिरादरी है, हमें खारिज किया जाता है, हमारे जो हकूक है वो हमें नहीं दिए जाते, सरयाम मेडल मर्डर हो रहे हैं हमारे, सरयाम अगवाएं हो रहे हैं, सरयाम फोनों पे हमें धमकियां आ रही हैं, सरयाम हमसे मंथ मांगे जा रहे हैं, सरयाम इनो की एक जो भी जो हमें मर्डर कर रहे हैं, हमारे ख्वाजा साहब को जो है ना टॉर्चर कर रहे हैं, हमसे भत्ते मांगते हैं, वो हम कहाँ जाए, जिनसे हिरासत हमारी ख्वाजा साहब के साथ बहुत जुल्म होता है, बहुत ज्यादती करते हैं, जहाँ फंक्शनों में जाते हैं वहाँ पर कोई भी इज्जत, कोई भी फोक्स नहीं होता हमारे, हमारे साथ ज्यादती होती है, यार हमारे लिए इंसाफ करो, कोई इदारे निकलो हमारे लिए, ख्वाजा सराओं के लिए कोई इंसाफ किया जाए, यार हमारे साथ बहुत जुल्म ज्यादती होते फंक्शनों में, हमें खुलेआम फायर किया जाते, हम कोई इंसान नहीं, हम कोई माँ के बच्चे नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं, हम भी तो एक माँ के बच्चे हैं ना, हमारे साथ क्यों ऐसे जुल्म होते? खुदारा अल्लाह का वास्ता हमारे साथ नहीं करो, खुदा रसूल का वास्ता हमारे साथ जुल्म ज्यादती नहीं करो, हमें इंसाफ दो, इमरान खान साहब हमें इंसाफ चाहिए, हम आज इतने सारे ख्वाजा सरा यहाँ इसी वजह से इंसाफ के लिए आए, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिलेगा इससे भी ज़्यादा हम करेंगे, यहीं पर ही करेंगे, यहीं पर ही, हमें इंसाफ चाहिए। आईजी सीन से भी हमें गुजार बहुत, हम ये देखो ये भी कल मेरे साथ ये एक छुरी मुझे किसी ने मारा है, मेरे को पकड़ के जबरदस्ती, ये देखो हम कहाँ जाएं। इस क्लब के बाहर आए हुए और अपना एहतजाज कर रहे हैं, हम ट्रांसजेंडर सेफ नहीं है इस मुल्क में, क्या हम इंसान नहीं है जो हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे सरेआम हमें किल किया जा रहा है, हमें मारा जा रहा है, क्या हम इंसान नहीं है इस चीज़ में? लेने दो,
दुख की बातें होती हैं, क्या बात नहीं है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बशिंदे हैं, हम भी अपने हलाल की मुल्क में पैदावार हैं, हम कोई गुंडा की जात नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम भी तुम्हारे द्वारा लोगों से हम लोगों ने जन्म लिया है, तुम्हारे घरों से हमने जन्म लिया है, हम तो जमीन पट्टे नहीं है। मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं कि हमें खुदा रहा इंसाफ दिया जाए, हम लोग से हुकूमत से हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमें राशन हमें जॉब्स मत दे, खुदा रहा हमें चैन से जीने तो दें, कब तक हमें मारेंगे, कब तक बस कर दे ये कत्लो आप, ये जुल्म खत्म करो, अच्छी बात नहीं है, हमें भी जीने का हक है, हमें भी जीने दो, हम भी समाज का हिस्सा है, हम लोग कोई आसमानी मखलूक नहीं है, जमीन से नहीं निकली, हम लोग भी आम, हम लोग भी आप लोगों की तरह पैदा हुए, खुदारा में इंसाफ दिया जाए।